महाराज की पावन ते पवित्र हजूरी विच विराजमान अपने सारयां दे पिता समान बुजुर्ग पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब प्रकाश सिंह जी बादल साहेब उन्हां दे नाल स्टेज ते विराजमान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान साहेब सर अवतार सिंह जी उन्हां दे नाल स्टेज ते विराजमान उन्हां दे सारे पुराने साथी यूथ अकाली दल दे लीडर साहबान भारतीय जनता पार्टी दे लीडर साहबान मालवे दे इलाके दे बहादुर सूरमियो गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले मैं सारे पंजाबियों नूं नवे साल दी लख लख बधाई दिना। माघी दे शुभ दिहाड़े दी लख लख बधाई दिना। जिस धरती ते बैठे हो आ एक पवित्र धरती है, मैं सिर झुका के नमस्कार करना चाहना इस पवित्र धरती नूं। माई भागो दी धरती है, 40 मुक्तियां दी धरती है। इस धरती उत्ते जुल्म दे खिलाफ अत्याचार दे खिलाफ लड़ाइयां होईयां। पंजाब विच भी जदों भी किते जुल्म होया, जदों भी किते धक्का होया, उदों जो आवाज चक्की ते श्रोमणी अकाली दल दे बहादुर सूरमियां ने आवाज चक्की। जिन्नियां भी जंगा होईयां उन्हां जंगां दी अगुवाई कीती पिछले 25-40 साल अपने बुजुर्ग पंजाब के मुख्यमंत्री श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त साहब प्रकाश सिंह जी बादल साहब ने ते उन्हां दी टीम ने। तुसी सारे साडे परिवार के मैंबर हो। आ जिहड़ा इलाका बहुत पिछड़िया इलाका सी, मैनूं याद आउंदे ओह दिन जदों जिथे अज कणकां है उत्थे मरगाबियां हुंदियां सी। मैनूं याद आउंदे ओह दिन जिथे अज सड़कां है उत्थे पानी हुंदा सी। 100-100 किले वाले दिहाड़ियां ते आ गए सी। इस इलाके तरफ कोई रिश्ता नहीं करदा हुंदा सी। इत्थों कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री रहा, मुक्तसर जिले के रहे हैं, उन्हां दा अपना पिंड भी डुबिया पिया सी। इस इलाके दे उत्ते जदों असीं उदों जांदे हुंदे सी सारियां दे चेहरियां ते उदासी हुंदी सी। बेचारे नौजवान बच्चियां ते उदासी हुंदी सी। कोई लोकां दे मन च उम्मीद नहीं सी, पर मुख्यमंत्री सरदार बादल ने थोनू वादा किया बहुत वड्डा हंबरा कोई पछाण नहीं सकता। इस इलाके नूं जिन्हें 15 साल पहले इलाका देखा, क्योंकि मुख्यमंत्री सरदार बादल का एको एक सुपना रहा, पूरी जिंदगी एको एक निशाना रहा कि मेरे पंजाब नूं मैं तरक्की दी बुलंदियां लेके जाना। सरदार बादल वह इंसान हैं जिन्होंने सारा जीवन पिंडां दीआं सत्थां विच ला दिता, सारा जीवन पिंडां दे वेड़ियां विच ला दिता।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਖਾਧਾ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਧਾ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਸਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 17 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਦਾ, ਸਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਹੋ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੰਨੇ 70 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਗੰਢੇ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਗਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਬਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਇਹ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂਹੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 12-12, 15-15 ਘੰਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ 2,000 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ 2,000 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ 2,600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਡੇ ਕੋਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿੱਦੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਗਿੱਦੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਕੱਲੇ 1-1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਇਆ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ ਘਰਾਂ 24 ਘੰਟੇ, ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ
झोना बेचते हैं बारे सूबे उवे बिजली बेचा करांगे जिहड़ा मुनाफा आऊगा आपां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ लगन नहीं देनी तो 5 साल कांग्रेस के राज में एक इट नहीं लगी एक इट नहीं लगी असी थोड़े नाल वादा किया सी कि कांग्रसिया का राज तो हुण आना नहीं हुण थोड़ा राज आ जाना मुख्यमंत्री सरदार बादल ने बन जाना ते जो बन गए वो टिब्बियां ते जिथे कांग्रेस ने रिफाइनरी लगन दी असी ला के दिखावांगे अज जाके देखो 30,000 बंदा काम करी जांदा अज जाके देखो अज जाके देखो किवें मेला लग्या पिया उत्थे इस कल्ले रिफाइनरी ने पंजाब का नक्शा बदल देना तरक्की इन्नी आ जानी है इत्थे हजारा ट्रक हर रोज निकलिया करने आ तुसीं देख लो किन्ने ड्राइवर कनैक्टर नूं इत्थे कम मिल जाना है अकले पिछले 3 सालों च कर दिता कमाल कर दिता दुनिया दे विच तरक्की लियानी है ता तरक्की आउंदी है दुनिया विच जे दुनिया नूं दे पंजाब दे सूबे नूं दुनिया नाल जोड़िया जाए वो काम मुख्यमंत्री जी ने किया अमृतसर विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पिछले बार मुख्यमंत्री सी उदों लिआंदा एक्टी मुख्यमंत्री बने मोहाली विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर कराता अज काम चल रहा ते नाले लुधियाने दे नाल माछीवाड़ा तीजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिता कांग्रेसी कहते जी सेंटर ने मंजूरी दिती है मैं पूछना सी 5 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री सी पंजाब च सेंटर भी मनमोहन सिंह ही सी उदों सुते पे रहे सी जे लिआंदा ते सरदार बादल की हिम्मत करके असौंदे नहीं बस सरदार बादल फाइलां चक के सवेरे दफ्तरां च बैठे हुंदे आ सेंटर के एक एक महकमे जाके फैसले करा के लिआंदे आ कल्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं आ मालवे बठिंडे देख लो अगले भी नहीं असी नींह पत्थर रखन लगे हैं बठिंडे के एयरपोर्ट का इतों ही हवाई जहाज उड़ा करेंगे हिंदुस्तान दे पिछले तीन साल अंदर लुधियाने तो भी हवाई जहाज चला देते पठानकोट तो भी चला देते ऐ जा कम भी किसी पहले नहीं होया कांग्रेसी ने पूछो नाल हरियाणा कांग्रेस का मुख्यमंत्री है प्रधानमंत्री कांग्रेस का एक भी हवाई अड्डा हरियाणा च नहीं एक भी हवाई अड्डा हमारे नहीं पढ़ाई के क्षेत्र में तुसीं आप देखिया पिछले कांग्रेस के राज में स्कूलों टीचर नहीं होंदे सी जो सरकार मुख्यमंत्री सरदार बादल बने 35,000 टीचर की कमी सी 35,000 टीचर है नहीं सी स्कूलों 35,000 जेड़ा सूबे दे स्कूलों में सरकारी जिप्पी टीचर ना होन बच्चे किवें सूबा किवें तरक्की करूगा सरदार बादल ने आन साल भर्ती की शुरू ते अज भी 25-30,000 टीचर असीं भर दित्ते आ स्कूलों टीचर पूरे होण लग गए कल्या नहीं सरदार बादल का फैसला जो इस साल कोई 700 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं 700 करोड़ रुपया हर हल्के च 10 स्कूल का फैसला सरदार बादल ने कर लिया है 10 स्कूल 7 करोड़ रुपया का लागत में होगा जो शहर के कॉन्वेंट स्कूलों तो भी बेहतर होगा 10 स्कूल 7 करोड़ रुपया जिथे 2,000 बच्चे पढ़ गए घट तो घट 2.5 लाख बच्चे पढ़ने का इंतजाम वह 10 स्कूलों च 1.5 साल किया जाऊगा पंजाब के तुहानू खुशखबरी देव सारे की पढ़ाई मुफ्त होगी 1 रुपया नहीं सड़क तरफ देख लो चारों तरफ सड़कों की जाल बिछी जाए व्डिया सड़क थोनू खुशखबरी देना चाहना
बठिंडे तो लैके चंडीगढ़ तक चार लेन सड़क मंजूर कर दी है, जी वे शहर जाती है जिमें दिल्ली वाली सड़क, लुधियाने तो लैके मोगा तो लैके फिरोजपुर तक की सड़क भी चार लेन की मंजूरी कर दी है। जिन्हें वे शहर है पंजाब के सारे चार लेन की सड़क न जुड़े जा रहा, चारों दिन देखो काम किमें शुरू होंगे। सरदार बादल के राज में असी वड्डा कदम जिता छुट्टिया, वो प्रशासनी सुधार की गल की है। आम आदमी थोनू सारिया जो तुम सरकार के दफ्तर जाते मुश्किलों का सामना कर पाते, हुण असी प्रशासनी सुधार का एक कमेटी बना दी है जी तीन चार महीनों के अंदर वो सारे काम जोड़े वे वे है वह हल हो जाएंगे। थोनू मैं लगता छे महीनों बाद दफ्तर जाने वास्ते बहुत घट लोड़ पेगी। जिमें जो कोई नौजवान कितने एडमिशन लेंदा सी कितने नौकरी वास्ते काम करता सी अपनिया जिहड़िया सर्टिफिकेट हुंदियां सी जिहड़ियां हुंदियां उहदे ते जिहड़े टेस्ट करवाउंदा सी एफिडेविट दिंदा हुंदा सी, सार बादल ने फैसला कर लिया कि हुण एफिडेविट देण दी लोड़ नहीं। लखां रुपये जिहड़े खर्चे जांदे सी आम आदमी नूं एफिडेविट बनाउण दे उसी बंद कर दित्ते आ। जिहड़े आम आदमी नूं जदों तुसीं पटवारी कोले जांदे सी तहसीलदार कोले जांदे सी अपने फर्ज लैण वास्ते, हुण तुहानूं तीन क महीने की काम गल रह गई, तीन महीने बाद तुहानूं किसी पटवारी कोले तहसीलदार कोले जाण दी लोड़ नहीं पैणी। जे तुहाडे कंप्यूटर होए पिंड च कंप्यूटर होए उत्थे ही बटन दबियो ते नाल दे नाल घरे बैठे ही अपनी फर्ज कर लियो ते अपने कल्या नहीं। जे तुसी अगले छे महीनों के बाद जे तुसी कोई ट्रैक्टर लाओगे कार लाओगे मोटरसाइकिल लाओगे थोनू किते डीटीओ दे आरटीए दे दफ्तर जाने की लोड़ नहीं पैनी। गड्डी नू रिजर्व आरसी दे दूंगा तो नाल देना नंबर भी उत्थे मिल जूगा कि दफ्तर जाने की लोड़ नहीं पैनी। जे तुसी हुण पेंशन लवाने अगले दो तीन महीने देखो बहुत लाउणी सौखी हो जूगी, थोड़े लसेंस बनाने पुलिस कोले जाण वास्ते थोड़ू अपनी आर जे तुसी कोई एफ आई आर की कॉपी लेनी है हुण तुहानू थाने जाण की लोड़ नहीं पैनी। तीन महीने बाद 31 मार्च के बाद थोनू कंप्यूटर के घरों ही तुम एफ आई आर की कापी लै सकते, पुलिस वाले तुम ए नहीं लैन गए कि हम कापी की लड़ वास्तव कोई पैसे पुसे मंगूगा सारे खत्म हो जाएंगे। थोड़िया रजिस्ट्रिया वास्ते जेडे हूँ तहसीलदार या दूजे कहते होंगे कि जी आ कीमत आ कोठे की जी आ 5 लाख का तुम कहते 3 लाख का, नहीं नहीं हूं तो जोड़ा असं तय कर देंगे वो तो वह नहीं पुछ सकता कोई फैसला कर लिया। जिहड़ियां तुसीं जमीनां दे झगड़े हुंदे सी जिवें थोड़े भरावां विच झगड़ा तुसीं पहले तहसीलदार दे कोर्ट विच पेश हुंदे सी, तहसीलदार दे बाद एसडीएम दे कोर्ट विच जांदे सी 3-4 साल उत्थे लग जांदे सी, फिर डीसी कोले चले जांदा सी केस, फिर कमिश्नर दे चले जांदा सी, फिर फाइनैंशियल कमिश्नर दे जांदा सी। मन लगदा सी बुढ़े हो जांदे सी इत्थे रुलदा फिरदा सी काम। असीं फैसला कर लिया पहली गल पहले जो कमिश्नर रिमांड कर देंगे सी केसां नूं चढ़ते चढ़ते तुहानूं वापस उतरना पैना सी, फैसला करता सरदार बादल नहीं। हुण कोई कमिश्नर कोई सैकटरी कोई रिमांड नहीं कर सकता, रिमांड बंद ही कर दिता रिमांड करना। दूजा वड्डा फैसला किया कि हुण तुहानूं कल्ले एसडीएम दे कोर्ट च अप्लाई करोगे वह फैसला कर दूंगा 1 साल के अंदर अंदर कह तय कर दिता, और बाद कल्ली उहदी अपील कमिश्नर कोल आ कि फाइनैंशियल कमिश्नर कोल जाण दी लोड़ नहीं, कितने डीसी कोल जाण दी। जिहड़े 15 साल लगते थे केस हुण 2-2 साल च खत्म होने लग जाएंगे। आज बहुत वड्डा सुधार कर रहे 70 ऐसी चीजें जिहड़ियां तुसीं दफ्तरां कोल जाते जिहड़े असीं 6 महीनों च तुहानूं दफ्तरां जाण तों तुहानूं वेहले हो जाओगे सरकारी दफ्तरां जाण दी लोड़ नहीं पैणी। इहो जिहे वड्डे सुधार असीं कर लगे हैं, कर भी लेते हैं, कई कर ले हैं कई लगे हैं। इस करके मैं वही बेनती करना फर्क देखो हुण नौजवान देख लो हुण आपां
नौजवान अपने खेडा में किन्ना शौक है अपने नौजवान कबड्डी अपनी मां खेड है वेड़िया के सत्थां खेडन वाली कबड्डी वेड़िया के सत्थां खेड दे कबड्डी। मैं जो मुख्यमंत्री की सौं चुकी मुख्यमंत्री जी ने पूछा मैनू कि केड़ा महकमा देवा मैं क्या मेरे नौजवानों का महकमा दे दो खेडा का महकमा मैनू दे दो खेडा का महकमा मैं लिता। पहले दिन मैं अफसर बुलाया मैं अफसर पूछा मैं क्या यार दसो कबड्डी बारे की है कहते कबड्डी तो साड़ी पंजाब सरकार ने मानता ही नहीं दिती बेचारे नौजवान मतलब सारा पंजाब कबड्डी कबड्डी करता तो मानता ही है नहीं सी। मैं उदो ही दो दिन बाद कैबिनेट मीटिंग सी कैबिनेट मीटिंग विच असी नाल दे नाल कबड्डी नू मानता दवाई पंजाब सरकार तो ते मैं फैसला किया अगली कैबिनेट विच जिहड़ी अपना मार्शल आर्ट है गतका उन्हूं भी मानता दवा दांगे। कबड्डी जिहड़े नौजवान कबड्डी खेलते सी दुनिया विच ते पंजाब तो बाहर उस कबड्डी बारे लोगों नू ज्यादा पता नहीं सी महाराष्ट्र बंगाल मद्रास विच कबड्डी बारे ज्यादा पता नहीं सी ते अज जाके पुछो जदों दा वर्ल्ड कप कबड्डी कराया अमरीका दे गोरे भी कबड्डी कबड्डी करन लग गए अमरीका दे कनेडा दे गोरे भी कबड्डी कबड्डी करन लग गए ते मैनू दस रहा सी कोई दिल्ली वाला कहिंदा पंजाब विच ते कबड्डी खेड है जिन्नी ओदे लोकी देखदे पसंद करदे मैं लगदा दुनिया च कोई एड्डी खेड नहीं। मैनू याद है ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ ਐਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਤਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ बैठे बैठे हर रेट नूं 5000 रुपया ते दूजा तुसीं देखिया जिवें माहौल देखिया ते इन्ना जोर सी अपने विच मैनूं याद है जदों आपां पाकिस्तान नूं हराया ते जदों उहदे बाद मैनूं लगदा पिंडां विच पूरे पंजाब लोकां ने बंदूकां कढ लईआं ते फायर करन लगे कोठियां ते चढ़ के मैनूं एसएसपीआं दे फोन आ लगे कि इत्थे तां फायरिंग चल रही है। मैं कहा कोई गल नहीं अज तक माफ आ सारा कुछ ते उहदे बाद असीं सारे नौजवानां नूं नौकरियां दित्तियां इस साल फिर तो वर्ल्ड कप कबड्डी करावे उ तो भी वे टोर ना करावे कली कबड्डी नहीं कली कबड्डी नहीं अगले महीने डेढ़ महीने बाद असी पंजाब दियां पंजाब स्टेट खेडा करा रहे हैं सूबे की खेडा उत्थे मुकाबले होणगे एक जिले का मुकाबला दूजे जिले नाल मुक्सर वाले तैयार होइयो थोड़ा मुकाबला सारे जिले का होना है दस खेडा दे दस खेडा चुनिया गई जिथे कबड्डी है फुटबॉल है हॉकी है रेसा है भार चकना है बॉक्सिंग है सारिया 11 खेडा है उन्होंने जिले के मुकाबले दूजे जिले हो गए जिहड़ी जिले की टीम जितूगी उसदे विच उस टीम नूं 25 लाख रुपया इनाम दिता जाऊगा। अगले महीने असी फैसला किया पाकिस्तान जाके उन्होंने मुख्यमंत्री ना गल कर रहे हैं कि तुसी साडे पंजाब दे तो थोड़े पंजाब ना टाकरा कराओ। मैं क्या दिखावांगे थानू पाकिस्तान पंजाब का अपने पंजाब का मुकाबला पर थोड़ा मुकाबला कोई कर नहीं सकता जिवें थोड़ा मुकाबला नहीं कर सकता उवें अकाली दल के बहादुर सूरमिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आ जड़े कांग्रेसी तुरे फिरते हैं एक इतने मेरा छोटा वीर जगाता फिर सर और सारे उड़ा उड़ जाएंगे मुकाबला कर सकता थोड़े सूरमे के सामने जिहड़े लोग वो कांग्रेसी देख लो और मैं लगता कली मतलब 5 बसा मैं देखी उन्होंने इतने तो मैं लगता अपना जिन्ना कट मैं बधाई दिना अकाली दल के वर्करां नूं वधाई दिना नौजवान यूथ अकाली दल के वर्करां नूं यार कमाल करती अज तुसीं इस्त्री अकाली दल नूं मैं वधाई दिना कमाल कर दित्ती जिन्ने तुसीं बैठे हो
दस गुना सड़कों से तुरे फिरते जगह ही है नहीं सानू माफी चाहना जगह घट हो गई कोई गल नहीं दो महीने बाद जो थर्मल प्लांट किधर पैदा रखा ना नहीं पुत्र उदो मैं सारे मैं हिंदुस्तान के लीडर बिखाऊंगा दिखाऊंगा किवें पंजाब के लोग बादल साहब प्यार करते लखां की तादाद उठ होगा अखबार वाले एवं पिछले दो तीन दिन कढ़ी जाते बड़ा ही बड़ा तगड़ा मुकाबला किहड़ा मुकाबला इत्थे थोड़े नाल कोई मुकाबला कर सकदा और जिवें कोई समुंदर विचों वड्डे समुंदर विचों कोई पीण दा कप्पा कप च पानी कढ ले समुंदर नूं पता लग गया मैं लगदा दसो घट्ट घट 250 वर्ष तक गिदड़वे तो आई है मैं देखा मैं नेरी लिया देखी मैं थानू कहना चाहना स्टार बादल मेरे को बैठे मैं थोड़ी मैं जो गोडी हाथ लाया मैं कह लगे कि मेरी 50 साल की सियासी जीवन में एडा वा माघी का कट नहीं होया जिना अज होया मैं बधाई देना चाहना थोनू बधाई देना चाहना है कमाल करती है तुम हूं कांग्रेसी उन्होंने कहने कुछ है नहीं हूं कहते फिरते कि उन्होंने प्रधान नवे का बयान सुनिया नवे का प्रधान का बयान कित नहीं कहूंगा कि मेरे राज के इन सड़क अकालिया वध बनाई हैं कोई इन्ने मैं पुल बनाए हैं ना कुछ किया कि नहीं कहता कल कहूंगा कि साढ़े 20,000 कांग्रसिया के पर्चे कर दते 20,000 पर्चे कर दते यार 20,000 तक कांग्रेस ही पंजाब से नहीं पर्चे कितने करते जे असी पर्चे कर लग जाते ना कांग्रेसी दिखना नहीं इतने थोड़ा पता सब तो वे डरपोकल वह टप जाते बॉर्डर बूडर पता ही लभने से हूं भी खुडा चो निकले है पर ठंड ज्यादा पै गई फिर तो खुडा च वड़ गए थोड़ा मुकाबला नहीं कर सकते अज महंगाई देख लो हर चीज महंगाई करती कांग्रेस के प्रधानमंत्री जमा बैठा कोई पता नहीं बेचारे रोज अखबार पढ़ लो करोड़ों रुपये के कपड़े दो लख करोड़ के कपड़े है दो लख आज टेलीफोन तुम वरतते हो अज रोज साढ़े को टेलीफोन है यदा कपड़ा किया 1,75,000 करोड़ का कपड़ा है 1,75,000 जे 1,75,000 करोड़ पंजाब नूं मिल जांदा ना नजारा आ जाना सी मैं लगता इतने सारे कोठे कूठे सड़कां सुट्टे नजारे दी बन जानियां सी सारे गरीबों के मकान बन जाने सी सारे गरीबों नूं मैं लगता एक सूट केस लखां रुपये का भी मिल जाना सी मैं लगता इन्ना एडे वड्डे कांग्रसियां दे कपड़े पूरी जिंदगी कांग्रेस ने लुटिया ताइयो तुसीं देखिया इन्ना 60-65 सालों में 40 साल कांग्रेस का राज जड़िया खास जरूरत भी थोड़े को पूरिया नहीं हुई कांग्रेस की मेहरबानी है क्योंकि उन्हें कला लुटिया कुटिया सार बादल वांगू मुख्यमंत्री नहीं जिरा पूरा जीवन थोड़े में ला दिता सवेरे 5 बजे उठ के रात के 12-12 बजे थोड़े रही है मेरे छोटा वीर ने जिरा अच्छ साडे पार्टी च नहीं रहा मेरे पिता समान बुजुर्ग सार बादल कहते हैं कि इन्हों सरकार चलानी नहीं आती जिस इंसान ने उस छोटे वीर नूं उंगल फड़ के चलना सिखाया जिस इंसान ने अपने पिता समान बुजुर्ग ने अपनी सीट छड़ के उस नौजवान नूं दित्ती जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपने बेटे तों भी वध प्यार किया हर स्टेज ते पिछले 1.5-2 साल हो गए सी लगातार कहते सरदार बादल नूं सरकार चलानी नहीं आती सरदार बादल की मेहरबानी करके सेमां निकलियां पईआं सड़कां बनी पई नक्शे बदल पे पए है कोई कह सकदा सरदार बादल साहब जो अज आप बैठे हैं जो आप बैठे हैं सरदार बादल की हिम्मत सदका है जो अपने चेहरे से खुशियां अपने बुजुर्ग साहब पिता उसकी मेहरबानी करके कहते हैं कि सरदार बादल नूं सरकार नहीं चलानी आती एवें झूठ बोलते हैं कहते करजाऊ हो गया सूबा एवें झूठ बोलते हैं कोई सूबा करजाऊ नहीं होया जे तुसी मैं सारे सूबे की गल करा सब तो वध करजा
जे हिंदुस्तान विच किसी सूबे दे या उत्तर प्रदेश दे सिर ते 2,21,000 करोड़ कर्जा है। महाराष्ट्र जिहड़ा सूबा है जिहड़ा अपने आप नूं बड़ा अमीर कहिंदे है, बंबई जिहड़ा कैपिटल है उहदे उत्ते 2,00,000 करोड़ कर्जा है। आंध्र प्रदेश उत्ते 1,75,000 करोड़ कर्जा है। गुजरात जिहड़ा सब तो कहिंदे वी मोदी दी अपना शहर है ते सारा सब तो कहिंदे बहुत वड्डी तरक्की ते है, 1,05,000 करोड़ कर्जा है। अपने सिर ते तां 65,000 करोड़ ही कर्जा है। वो कर्जा असीं वी चढ़ाया, कर्जा चढ़िया उदों अतवाद दे मौके जदों आपां जंग लड़ रहे सी, हिंदुस्तान दी जंग लड़ रहे सी, पंजाब नूं बचा रहे सी, देश नूं बचा रहे सी। जिहड़ा फौज ते पुलिस अपने इत्थे आई सी उहनां सारयां दी उन्होंने अपने तो पैसे लेते, सारा कर्जा चढ़िया। वो कर्जा सब जिहड़ियां सड़कां बना रहे हैं आ कोई कर्जा लेके नहीं दे कर रहे, जिहड़ियां थोड़ियां असीं पेंशनां दे रहे हैं, शगन दे रहे हैं, कोई पर्जा चढ़ के नहीं, आमदन वधाई है। सार बादल मुख्यमंत्री बने बड़े सियाणप नाल, जिहदे दी सरकार संभाली जदों राजे दा राज खत्म होया, सरकार संभाली उन्हों अपने सिर ते 5,000 करोड़ की आमदन पंजाब की सी, साल की 5,000 करोड़। अज चौथे साल 5,000 करोड़ तो वधा के असी 11,000 करोड़ साल की कर दिती। अगले साल आई पंजाब की आमदन, आई सालाना आमदन पंजाब की 14,000 करोड़ रुपया साल की हो जानी है। हूँ मेरा छोटा वीर कहिंदा थोड़े ट्यूबलों के बिल बंद कर दियो, ला दियो बिल ला दियो, कहना शगन बंद कर दियो, पेंशन बंद कर दियो, आटा दाल बंद कर दियो, गरीबों के घर के 200 यूनिट बंद कर दियो। असी वो इंसाना मंगू नहीं, असी वो इंसाना मंगू नहीं जिहड़ा लोगों का वादा कुछ करे ते बाद कुछ करे। सार बादल का असूल है, साड़ी पार्टी का असूल है कि असी जो कहने हैं वही वादा करते हैं, भावें सिर कट्टिया जाए। मैं हैरान हूं जेड़े लोग हुण कहते हैं थोड़े ट्यूबवैल बंद कर दियो, शगन बंद कर दियो, पेंशन बंद कर दियो, सबसिडियां नहीं देनी चाहिए गरीबों नूं। आप 19-19 लाख सबसिडी लई फिरदे आ। सार बादल की इको एक सोच है, उस सोच से पूरी जिंदगी मैं पैरा दूंगा। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते सारी मीडिया बैठी है कि जो सहूलत सार बादल ने दतिया जारी रहनगियां, ट्यूबलों के बिल माफ रहेंगे, शगन मिलता रहेगा, पेंशन मिलती रहेगी, और जिन्या भी आटा दाल जो भी शगन सब्सिडियां मिलदिया रहनगियां दिते रहेंगे, भावें सिर कट्टिया जाए। किसी तो सानू कोई डर नहीं, जिन्ना कोले सानू थोड़ा प्यार चाहिए है, थोड़ा साथ चाहिए है, थोड़ा आशीर्वाद चाहिए है। पूरी जिंदगी थोड़ी सेवा करते रहे हैं।